अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पोर्ट ट्यूब। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि हम अपने चैनल के लिए चैनल आर्ट कैसे बना सकते हैं। एक प्रोफेशनल टाइप का चैनल ऐड बनाना सिखाऊंगा जो आप अपने चैनल के लिए चाहते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी न्यू फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो नई अपडेट्स हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने चैनल के लिए प्रोफेशनल टाइप का जो है चैनल आर्ट बनाना सीख सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है। तो इस टेक्स्ट को सबसे पहले हमने यहाँ से कर देना है डिलीट। ठीक है, डिलीट करने के बाद हमने जाना है अपनी गैलरी में और गैलरी से हमने जो है कुछ टेम्पलेट्स हमने रखे हुए हैं जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने जो है वो वहाँ से डाउनलोड कर लेने हैं। डाउनलोड करने के बाद आपने इसे जो है यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसे थोड़ा सा यहाँ पे आपने सेंटर में ड्रैग करना है और इसे यहाँ पे फुल कर देना है। ठीक है, फुल करने के बाद जो है आप अपने जो है इसकी जो है इसमें हमने आप कुछ टेक्स्ट ऐड करनी है। टेक्स्ट ऐड करने के लिए आपने यहाँ पे जो है ए यहाँ पे लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे प्लस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके इसे आपने यहाँ पर नीचे ड्रैग कर लेना है। ड्रैग करने के बाद आपने जो है यहाँ पे एडिट टेक्स्ट का बटन है तो आपने यहाँ से एडिट कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से जो है कुछ लिख लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देसी व्लॉग ऑफिशियल्स। ठीक है, तो ये मैंने एक सिंपल सा यहाँ पे नाम लिख दिया है। तो हम जो है अब इसे यहाँ पे जो है एडिट करने वाले हैं इस नाम से। तो इसको हमने यहाँ से छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद उसे हमने यहाँ पे फिक्स कर लेना है। इसे आप थोड़ा और छोटा कर सकते हैं अगर यहाँ पे ये फिक्स नहीं आ रहा है तो। उसके बाद जो है आप यहाँ पे जो है इसका फॉन्ट चेंज करेंगे। ठीक है, तो फॉन्ट चेंज करने के लिए आपने थोड़ा सा नीचे जाना है। यहाँ पर फॉन्ट का ऑप्शन है तो फॉन्ट में आपने जो है यहाँ पे नीचे नीचे चले जाना है। यहाँ पे आपके आपको जो है एक फॉन्ट मिलेगा मी फॉन्ट के नाम से, आपने इसे सेलेक्ट करके ओके कर देना है। ठीक है, तो इसके बाद जो है अब हमने इसे जो है थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। तो इसको जो है हम यहाँ से थोड़ा ड्रैग करके बड़ा कर लेते हैं। और तो अब हमने इसका जो है कलर चेंज करना है और इसको स्ट्रोक देना है। ठीक है, कलर चेंज करने के लिए आपने चले जाना है कलर के अंदर। यहाँ पे कलर हैं और यहाँ से जो है आप जो भी कलर रखना चाह रहे हैं अपने चैनल के नेम का आप उसे यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैंने जस्ट यहाँ पे जो है थ्री कलर्स यूज़ करने हैं। फर्स्ट जो है यहाँ पे जो लिखा हुआ है देसी, इसके लिए अलग से कलर होगा। और उसके बाद जो है उसके बाद है व्लॉग। ठीक है, तो व्लॉग के लिए मैं यहाँ पे कोई और कलर चूज़ करूँगा। अब जो है हमने जो है व्लॉग्स है, व्लॉग्स के लिए यहाँ पे हमने एक और कलर ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कलर सेलेक्ट करने के बाद आपने इसे यहाँ पे ओके कर देना है। अब जो है हमने इसका थोड़ा इसको स्ट्रोक देना है। ठीक है, स्ट्रोक के लिए यहाँ पे स्ट्रोक है, स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करना है, एनेबल कर देना है। तो जो मर्ज़ी आप जो है जो भी कलर आप यहाँ पे देना चाहें आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने इसे यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब जो है हमने इसे थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा कर देना है क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है तो हमने इसे यहाँ पर ड्रैग करके थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। ठीक है, अब जो है हमने इसके लिए एक और टेक्स्ट ऐड करना है। तो टेक्स्ट के लिए आपने दोबारा जाना है टेक्स्ट के ऊपर, यहाँ से टेक्स्ट लेना है और इसको एडिट करना है। एडिट करने के बाद जो है इसे अब हमने यहाँ पे लिखना है सब्सक्राइब नाउ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखना है सब्सक्राइब नाउ और इसे हमने यहाँ पे ओके करके इसे अब हम जो है ड्रैग करेंगे यहाँ पे और इसे यहाँ से हम छोटा कर लेंगे। ठीक है, छोटा करने के बाद इसे हमने यहाँ पे रख देना है और अब जो है हम इसका फॉन्ट चेंज करेंगे। फॉन्ट चेंज करने के लिए फॉन्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ से जो है आप ये वाला जो फॉन्ट है ये वाला ये सिलेक्ट कर लें, ये काफ़ी अच्छा फॉन्ट है। ठीक हो गया, अब जो है हमने इसका जो है थोड़ा इसको भी हमने स्ट्रोक देना है। तो स्ट्रोक देने के लिए हम जाएंगे स्ट्रोक के अंदर और यहाँ से जो है हम चाहें तो ब्लैक में या ऑलरेडी इसका बैकग्राउंड जो ब्लैक है तो हम इसे जो है स्ट्रोक दे देंगे किसी और कलर में।
ठीक है, ब्लू ठीक रहेगा। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पे जो है थोड़ा ब्लू स्ट्रोक दे देता हूँ और इसे थोड़ा सा ऊपर एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब हमने जाना है दोबारा टेक्स्ट में, और अब हमने जो है एक और टेक्स्ट लेना है। ठीक है, तो वो टेक्स्ट हमने यहाँ से ले लिया है। अब जो है हम इसको इसमें यूज़ करेंगे अपने जो सोशल आइकॉन है वो वाले। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखना है फॉलो, और यहाँ पे हमने जो है एट द रेट दे देना है। ठीक है, इसके बाद हमने इसे यहाँ से ओके कर देना है। अब जो है इसे हमने दोबारा से छोटा कर लेना है और इसको हमने ड्रैग करके यहाँ पे ले आना है। ठीक है, अब ये आ चुका है। अब जो है हमने इसका भी जो फॉन्ट है इसे हमने चेंज करना है। तो दोबारा हम जाएंगे फॉन्ट में और वहाँ से जाके वहीं वाला जो फॉन्ट है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये वाला फॉन्ट दोबारा से हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, और अब जो है यहाँ पे तकरीबन इस तरह का इसका जो लुक है वो नज़र आ रहा है हमें। तो अब हमने क्या है, अब हमने इसमें जो है कुछ जो है आइकॉन सोशल मीडिया के जो है वो हमने ऐड करने हैं। ठीक है, तो सर आइकॉन अब मैंने जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेना है और उसे जो है यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो अब जो है हमने इन आइकॉन के जो कलर हैं उनको हमने करना है चेंज। तो कलर चेंज करने के लिए आपने इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके चले जाना है कलर में, और यहाँ से जो है उनके कलर चेंज कर लेने हैं। ठीक है, तो पहले जो है यहाँ पे रेड है तो मैं यहाँ से वाइट कर देता हूँ। वाइट करने के बाद हम इसे जो है यहाँ से ओके करेंगे, और अब जो है हम इनको यहाँ से छोटा कर लेंगे। ठीक है, छोटा करने के बाद इन्हें हम फिक्स कर देंगे इस जगह पे, थोड़ा इन्हें और छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये आइकॉन फिक्स हो चुके हैं। ठीक है, अब हमने इसमें जो है अपने चैनल का जो है लोगो ऐड करना है। लोगो ऐड करने के लिए दोबारा हम जाएंगे अपने गैलरी में, और गैलरी से जो है हम एक चैनल का जो है लोगो ले लेंगे। ठीक है, तो ये जो है चैनल का लोगो है इसे भी हमने यहाँ से ड्रैग करके छोटा कर लेना है और उसे जो है इस जगह पे शिफ्ट कर देना है कुछ ऐसे। ठीक है, आपने देख लेना है जहाँ पे भी ये परफेक्ट नज़र आए आपने वहाँ पे इसे फिक्स कर देना है। फिक्स करने के बाद जो है अब हमने इसमें कुछ और डिज़ाइन एलिमेंट यूज़ करने हैं। ठीक है, डिज़ाइन एलिमेंट आपने चले जाना है दोबारा से अपनी गैलरी में, और गैलरी में जाने के बाद जो है आपने यहाँ से कुछ जो है डिज़ाइन एलिमेंट आपको मिल रहे हैं आपने वो वाले यहाँ से ले लेने हैं। ठीक है, लेने के बाद उन्हें आपने जो है इसी तरह छोटा कर लेना है सेम टू सेम, लेकिन इस दफ़ा आपने ख्याल रखना है कि आप जो है इनकी जो साइजिंग है उनको आप पूरा फिक्स इसके अंदर जो है लेके आए, नहीं तो ये छोटे बड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं जो है यहाँ सब पे जो है इनको फिक्स कर लेता हूँ। अब जो है हमने इनके जो कलर हैं इनको हमने करना है चेंज इस डिज़ाइन का। ठीक है, तो उसके लिए मैं जाऊँगा यहाँ पे कलर पे, और वहाँ से जाके मैं वाइट या ब्लू या ब्लैक जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं यहाँ से जो है ब्लैक करूँगा। ब्लैक करने के बाद जो है ये यहाँ पे फिक्स हो चुका है। अब जो है एक और मैं एलिमेंट यहाँ से लूँगा सेम इसी डिज़ाइन का। ठीक है, इसको अब हमने क्या करना है, इसका जो है डिज़ाइन थोड़ा सा हमने करना है चेंज। ठीक है, चेंज करने के लिए आपने इसके ऊपर क्लिक करना है या इसके ऊपर क्लिक करना है। पहले आपने टॉप पे क्लिक करना है, फिर दूसरे पे क्लिक करना है, फिर आपने इसे यहाँ से ओके कर देना है। अब हमने जो है इसका भी जो साइजिंग है उसे यहाँ से छोटा करना है सेम एज इट इज़ जो पहले हमने किया है, लेकिन उससे पहले हम इसका जो है कलर चेंज करेंगे। तो कलर चेंज करने के लिए दोबारा हम जाएंगे उसी ऑप्शन में, कलर वाले ऑप्शन में, और यहाँ से इसे ब्लैक कर देंगे। ब्लैक करने के बाद जो है इसे हम लेके आएंगे इस जगह पे, और यहाँ से जो है इसे थोड़ा सा हम जो है एडजस्ट कर लेंगे अच्छे से, ताकि ये जो है इस आई बॉक्स के अंदर पूरे से फिक्स आ जाए। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है इन सब को यहाँ पे मर्ज करना है, लेकिन मर्ज करने से पहले हमारा जो यहाँ पे आइकॉन है, हमारा जो यहाँ पे लोगो है, मर्ज करने से पहले हम जो है अपने लोगो को यहाँ पे थोड़ा स्ट्रोक देंगे। ठीक है, तो
लोगों को यहाँ पे जो है थोड़ा स्ट्रोक करने के लिए हम यहाँ पे ऑप्शन यह वाला सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ब्लैक या कोई और कलर देख लेंगे जो इसको थोड़ा सा प्रोफेशनल सा नज़र आए। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये वाला जो है ये बेस्ट रहेगा, ब्लू वाला ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको ब्लू स्ट्रोक दे देता हूँ। ठीक है जी, इसके बाद जो है अब हमने इसे यहाँ से जो है इसका जो बैकग्राउंड है इसे अब हमने करना है चेंज। ठीक है, तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आपने आखिरी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ से जो है कलर है और यहाँ से जो है आप कोई भी जो है डिज़ाइन देख लें जो आपको ठीक नज़र आए, आपने जो है ग्रेडियंट्स में जाके इनमें से जो आपको कलर पसंद आए आपने वो वाला यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, ये वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो मैं जो है ये वाला यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारा जो चैनल आर्ट है बन चुका है। अब हमने इसे जो है करना है सेव। ठीक है, तो सेव करने के लिए हम यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव एज ए इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे और अब जो है हमने इसका जो है फाइल सेलेक्ट करनी है। मैं इसे जो है PNG में सेव कर रहा हूँ, आप किसी भी तरह आप चाहे तो इसे JPG या PNG में कर सकते हैं। इसके बाद इसकी जो क्वालिटी है वो हमने यहाँ पे हाई सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ से उसे जो है हमने सेव कर लेना है। तो इस तरीके से जो है आप अपना एक प्रोफेशनल टाइप का चैनल आर्ट बना सकते हैं पिक्सल लैब के अंदर। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।